एक बार नारद जी ने कहा, प्रभु मुझे आपकी माया देखनी है। नारद जी से भगवान बोले, रहने दो, माया ही है, रहने दो, बेकार। बोले, नहीं नहीं मुझे माया का आपकी का दर्शन, सब लोग कहते हैं आपकी माया बड़ी विचित्र है, तो मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। बोले भगवान ने फिर समझाया, रहने दो, कोई बात नहीं। बोले नहीं मुझे दर्शन करना है। बोले ठीक है, तो झट देखा। बोले अच्छा ठीक है, तुम भ्रमण करके आ जाओ या इस सरोवर में स्नान करो। तो सरोवर में स्नान करने लग गए नारद जी, और जैसे ही स्नान करने लग गए तो बाहर जहाँ भगवान विराजमान थे वृक्ष के नीचे, वहाँ दृष्टि गई तो भगवान नहीं। अब भगवान की तलाश में निकले कि भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए। भगवान की तलाश में निकले तो वो एक गांव में पहुँचे, और एक गांव में पहुँचे तो वहाँ उनकी मुलाकात एक बहुत सुंदर सी एक स्त्री से हुई, बहुत सुंदर सी स्त्री से हुई, और नारद जी उस पर मोहित हो गए। नारद जी ने उस कन्या से कहा, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। बोले कर लीजिए महाराज, मैं भी अभी ऐसी ही हूं। तो विवाह हो गया। अब महाराज नारद जी जो 24 घंटे नारायण नारायण का नाम जपने वाले, एक दृष्टांत है, कल्पना है भक्त की, 24 घंटे जो नारायण नारायण का जाप करते थे, उन्होंने देखा कि अब 24 घंटे बाल गोपालों की उदर पूर्ति की व्यवस्था में लगे रहते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब बाल गोपाल भी हो गए दो चार। एक दिन पत्नी ने कहा, चलो हमें थोड़ा भ्रमण करा के लाओ। बोले चलो भ्रमण करा के लाते हैं। तो वो चारों पांचों बालक लिए, देवी जी ली, और खुद भ्रमण करने के लिए निकले। तो उसी समय जब वो भ्रमण करने के लिए निकले तो वहां बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो अब जब बाढ़ आई तो पत्नी उसमें बहने लगी। जब पत्नी बहने लगी, उन छोटे छोटे बच्चों को कंधे पे संभाला, पत्नी को पकड़ने जाने लगे, तो एक बच्चा पानी में बहने लगा, पत्नी को छोड़ के बच्चे को बचाने के लिए दौड़ने लगे, इसको बचाने के लिए दौड़े तो एक बच्चा इधर से बह गया। अब रो रहे हैं, बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं, हे प्रभु रक्षा करो, मैं मेरी पत्नी मेरे बच्चे। अब देखा आंखों के आगे बच्चे भी गए, बह गए, पत्नी भी बह गई। अब तो बड़ी जोर जोर से नारद जी रोने लगे। तब नारायण भगवान जब ढूंढते ढूंढते अपने बच्चों को नदी के तट से निकल रहे थे, तो देखा नारायण भगवान वहीं वृक्ष के नीचे विराजमान होकर मुस्कुरा रहे हैं। और भगवान ने कहा, नारद जी इधर आओ। बोले किसको बुला रहे हो, कौन नारद, कैसा नारद, मेरी पत्नी बह गई, मेरे बच्चे बह गए। भगवान ने कहा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। भगवान ने अपने पास बुलाया, बैठा ला और कृपा करी। तब उन्हें एक क्षण में याद आया, भगवान कृपा करते हैं तो सब कुछ याद आ जाता है, अगला पिछला सब। तो भगवान ने कहा, नारद रो क्यों रहे हो,